जिनमें मैंने करवाया था पार्शियल डिफरेंशिएशन, थोड़ा सी एक एग्जांपल करवाई थी कि व्हेन यू डिफरेंशिएट फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल कीप वाई एज अ कॉन्स्टेंट नंबर. सिमिलरली व्हेन यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, यू हैव टू कीप ऑल द फंक्शन ऑफ एक्स एज अ कॉन्स्टेंट. व्हेन यू डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दो सिंपल इसके ये भी लिख, डावा जेड अपॉन डावा एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डावा जेड अपॉन डावा एक्स भी लिखते हैं इसे, और इसे इन शॉर्ट आप जेड सबस्क्रिप्ट में एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं. तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई प्लस बी जो ब्रैकेट है ये तो एक कॉन्स्टेंट नंबर हो जाएगा और x का डेरिवेटिव वन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये आपके पास लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर टू. इसी तरह से व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, दिस इंप्लाइज इक्वेशन नंबर वन इंप्लाइज डावा z अपॉन डावा y और z y is equal to now x plus a is a constant and the derivative of y plus v with respect to y is 1. तो ये आपके पास दो equation आ गई, equation number 2 and 3. तो आप ये equation number 2 and 3 equation number 1 में put कर दोगे, जाहिर है arbitrary constant दोनों तो eliminate नहीं हुए, दोनों तो eliminate नहीं हुए हैं. यहाँ भी x प्लस ए मौजूद है, यहाँ y प्लस बी मौजूद है, लेकिन x प्लस बी और y प्लस बी की वैल्यू आप उसमें पुट कर देंगे z में, सो यू विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1. तो वन में पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू जेड एक्स इन टू जेड वाई. सो दिस विल बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर टू में x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, ए इज रेडियस. बास बुक्स जो है इसमें ए को आर्बिट्रेरी नहीं मानती. ये जो बुक है एच के दास में, इसमें भी अगर इसका आंसर आप देखोगे तो उसमें ए मौजूद है आंसर में, तो उसने ए को जो है आर्बिट्रेरी नहीं लिया. आर्बिट्रेरी सिर्फ सेंटर पॉइंट को एच और के को लिया, लेकिन हम दोनों काम कर लेते हैं. हम इसे दोनों तरह से कर लेते हैं कि जब हमारे पास h और k सिर्फ आर्बिट्रेरी लें और जब हम तीनों a को भी आर्बिट्रेरी लें. तो दो केस बना लेते हैं हम इसके, केस वन. अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो वहाँ ये लिखा हुआ होगा कि इन तीनों में से क्या तीनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं या सिर्फ दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं. तो ज़ाहिर है जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर वन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो आपने दो मरतबा डिफरेंशिएट किया है, लेकिन एक मरतबा विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है, एक मरतबा विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है. तो चूँकि दो में अब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लिहाजा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, चूँकि अब दोनों आ गए हैं यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस पर डिपेंड करेगा कि अगर दो हैं
तो सिर्फ ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी एक दफ़ा z से और विद रिस्पेक्ट टू x और एक दफ़ा y से। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हुए जब हम तीन लेंगे तो ज़ाहिर है फिर एक मरतबा और डिफरेंशिएट करना होगा और फिर आप देखेंगे कि हो सकता है इससे ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन इससे ज़्यादा आंसर आए आपके पास। तो इफ h एंड k आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट क्वेश्चन नंबर वन सही था क्वेश्चन नंबर वो भी क्लियर नहीं है चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि दो दिन तो क्लासें हमारी सिर्फ पर्दा डाल देता हूँ पीछे से शायद रोशनी ज्यादा आ रही है इस वजह से वहां से सिलो हो गया होगा बल्ब नहीं लगाया ना बल्ब नहीं लगाया रोशनी का बल्ब एक्स्ट्रा बोल रहे कॉन्स्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स अभी हमने सिर्फ दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कंसीडर कर रहे हैं ए को हम आर्बिट्रेरी नहीं ले रहे ए विल रिमेन एज इट इज यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये आता है तो वो हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ओनली टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो यू हैव टू एक्स माइनस एच इसका डेरिवेटिव ये जाहिर है पूरा कॉन्स्टेंट नंबर है जीरो द डेरिवेटिव ऑफ एक्स जेड स्क्वायर इज टू जेड एंड देन जेड एक्स and of course right hand side is constant and this will be zero so zara rewrite kar le ise we can find the value of x minus h from this equation that will be equal to minus 2 x minus h is equal to minus 2 z zx let me write equation number 2 and then differentiating equation 1 Differentiating equation 1 with respect to y. So equation 1 implies now we have x minus h whole square, so that will be as a constant. So we have to differentiate 2y minus k plus 2z zy. And again, right hand side is 0. From here we can find the value of y minus k is equal to minus 2zzy. So let me write equation number 3. अब एक तरफ आपके पास y x minus h मौजूद है, दूसरी तरफ y minus k मौजूद है. इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, you will get the differential equation. This implies equation number 1 implies x minus h की जगह रख दे आप minus 2z zx और इसका whole square plus y minus k की जगह रख दे minus 2 तो cancel हो जाएगा 2 तो नहीं होगा 2 तो cancel कर दिया है minus z zy whole square प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सो दिस इम्प्लाइज यू कैन टेक जेड स्क्वायर कॉमन आपके पास जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी द आंसर जाहिर है माइनस जेड का स्क्वायर लोगे तो जेड स्क्वायर बन जाएगा तो जेड स्क्वायर हमने थ्रू आउट कॉमन ले लिया Within bracket we have zx square plus zy square plus 1 is equal to a square. This is the answer. Case 2, if we take
if h, k and a are arbitrary constant, तो a को भी अगर हम arbitrary constant लें तो हमारे पास अब हमारे पास 3 arbitrary constant हैं। जब आप with respect to x again differentiate करोगे तो जाहिर है equation 2 वैसे ही आ जाएगी, equation 3 आ जाएगी। तो when you differentiate again कर रहा हूँ मैं differentiating with respect to x equation 1 को, differentiating equation 1 with respect to x, so we'll have 2 into x minus h, वही जो पहले आ चुका है दोबारा वही चीज आ जाएगी, 2z zx is equal to 0 and 2 से divide कर दो तो x minus h is equal to minus z zx, so let me call equation 4, या चाहे तो 2 ही कह देंगे क्योंकि ये और 2 एक ही है। differentiating equation with respect to y, this implies 2y minus k plus 2z zy is equal to 0, and from here we have y minus k is equal to minus z zy। तो ये यहाँ तक तो वो सिमिलर काम है जो आपने केस वन में किया। अब आपके पास चूंकि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, नाउ यू कैन अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 4, इक्वेशन 4, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 4 को विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल हैव 1 एंड ऑन राइट हैंड साइड वी हैव फॉर्मूला ऑफ यू इनटू वी, z इनटू zx पे फॉर्मूला लगाएंगे u इनटू v का, कीप z एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ zx इज zxx प्लस कीप zx एज इट इज, द डेरिवेटिव ऑफ z इज zx, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी z zxx प्लस zx होल स्क्वायर, this becomes zx square और plus 1 is equal to 0। ये आ गई आपके पास equation number 6, इसमें कोई arbitrary constant मौजूद है तो ये एक answer आ गया, this is the answer, one answer। Similarly you can differentiate equation number 5, differentiate equation number 5 with respect to y, differentiating equation number 5 with respect to y, on left hand side again you have 1, on right hand side again you have product of z z y, keep z as it is, derivative of zy with respect to y is zyy plus keep zy as it is and the derivative of z with respect to y is zy, इसे भी rewrite करोगे तो you will have z zy zyy plus zy whole square and plus 1 is equal to 0, let me call equation number 7, this is another answer, वो भी सही है, ये भी सही है, और एक और मज़ीद, equation number 4 को अब आप with respect to y differentiate करें, differentiating equation 4 with respect to y, इक्वेशन 4 को विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास 0 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे z को ऐसे ही रखा, zx का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y इज zxy।
अब जेड एक्स को ऐसे ही रखा, जेड का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई इज जेड वाई, तो आपके पास ये थर्ड आंसर आ गया, जेड जेड एक्स वाई प्लस जेड एक्स जेड वाई इज इक्वल टू जीरो, लेट मी कॉल इक्वेशन एट, दिस इज अनदर आंसर। अब अगर इक्वेशन फाइव को विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो सेम आंसर आएगा आपके पास। तो ये थ्री, यहाँ पर थ्री डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तीनों अपनी अपनी जगह पर डिफरेंशियल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर वन की, इन केस टू व्हेन यू कंसीडर थ्री आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। क्वेश्चन नंबर फाइव कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस सी होल स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर अल्फा। देखिए अब यहाँ पर अल्फा भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और सी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टू एक्स इज इक्वल टू टू जेड माइनस सी टेन स्क्वायर अल्फा एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ जेड इज जेड एक्स। तो टू कैंसिल कर दें तो वी हैव एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस सी जेड एक्स टेन स्क्वायर अल्फा, लेट मी कॉल इक्वेशन नंबर टू। Now differentiating equation 1 with respect to y, so this implies अब जाहिर है x square का डेरिवेटिव 0, y square का आ जाएगा 2y and on right hand side we have 2z minus c 10 square alpha and the derivative of z is zy। Again टू कैंसिल कर दो, विल हैव वाई इज इक्वल टू जेड माइनस सी टेन स्क्वायर अल्फा, या जेड वाई पहले लिख लो टेन स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अब आप देखें कि दोनों इक्वेशन में सी भी मौजूद है और अल्फा भी मौजूद है, सी भी मौजूद है और अल्फा भी मौजूद है और मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म है, तो इफ यू डिवाइड इक्वेशन टू बाई इक्वेशन थ्री ये आपस में सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो डिवाइड इक्वेशन नंबर टू बाई थ्री, टू को थ्री से डिवाइड कर दो, तो विल हैव ऑन लेफ्ट हैंड साइड एक्स अपॉन वाई, ऑन राइट हैंड साइड जेड माइनस सी जेड एक्स 10 square alpha divided by z minus c zy 10 square alpha, तो z minus c bracket ये दोनों आपस में cancel हो गए, 10 square alpha 10 square alpha से cancel हो गया, and you have cross multiply कर दो चाहो तो, चाहो ऐसे ही रहना दो, xzy is equal to yzx equation number 4, that will be our answer। So we have xzy is equal to yzx is the answer, is the differential equation
रिलेटेड टू इक्वेशन नंबर वन। तो ये चंद सवालात हैं जो आपको शीट नंबर 3 पे मौजूद हैं, आपको भेजे हुए थे, ये सब वहाँ मौजूद हैं। इनके अलावा भी कुछ और हैं तो कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल भी छोटा सा आर्टिकल है, वो भी कर लेते हैं। एंड यार वो जो चार शीटें सिलेबस की भेजी हुई हैं शुरू में, चार शीटें जो सिलेबस की भेजी हुई हैं, उन पे कुछ पे सवालात मौजूद हैं, कुछ पे एक्सरसाइजेस मौजूद हैं। शुरू के जो चार पेज थे, शुरू में जो 9 पेज भेजे थे उनमें है, उसके बाद भी मैं बार बार भेज चुका हूँ। हर बार ये कहते हैं कि जी मुझे नहीं मिला तो फिर भेज देता हूँ। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जाहिर है सॉल्यूशन जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कि वो सॉल्यूशन हम कहते हैं उसे हैं, जैसे अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इक्वेशन नंबर 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो इक्वेशन है, ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑन दी अदर हैंड 4 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नंबर 1 इज इट्स सॉल्यूशन। तो सबसे पहली टेक्निक तो बहुत सिंपल सी है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के जरिए। जो चंद सवाल ये भी एच के दास से हैं, एक्सरसाइज है 47.2, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, जिस तरह से आपने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन किया है, कीपिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आपने डिफ्रेंशिएट किया है तो y को कांस्टेंट दिया है, इसी तरह से जब आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे तो y को कांस्टेंट समझोगे। तो इसलिए तो पहली टेक्निक तो यही है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन की। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली टेक्निक यही है डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो एक्सरसाइज है 47.2। पेज नंबर है 1266। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डावा स्क्वायर जेड अपॉन डावा एक्स डावा वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाइएगा, बस वर्ड लिख दे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू डावा जेड अपॉन डावा वाई रह जाएगा सिर्फ, और राइट हैंड साइड को जब वाई स्क्वायर को आप एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और जब आप इंटीग्रेट करते थे सिंगल वेरिएबल में तो कांस्टेंट ऐड करते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर आप कांस्टेंट जो है, चूँकि आपने फंक्शन ऑफ वाई को भी कांस्टेंट लिया है, लिहाजा सी की बजाय एफ ऑफ वाई ऐड करेंगे। फंक्शन ऑफ वाई, चूँकि फंक्शन ऑफ वाई का डेरिवेटिव लोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वो भी जीरो होगा, इसलिए जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो फंक्शन ऑफ वाई, अब फंक्शन ऑफ वाई में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी शामिल हो सकता है। नाउ वी हैव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो विद रेस्पेक्ट टू वाई रह गई है, तो आप अभी से इंटीग्रेट कर दो विद रेस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो दिस इंप्लाइज यू गॉट द वैल्यू ऑफ जेड, अब आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, तो वाई का इंटीग्रल लोगे, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल लोगे तो दैट विल बी वाई क्यूब अपॉन थ्री,
और चूंकि फंक्शन ऑफ वाई मौजूद है तो यहाँ इंटीग्रल साइन लगा ले आप एफ वाई विद रेस्पेक्ट टू डी वाई, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है। और अब इसमें कॉन्स्टेंट जो ऐड करोगे तो वो जी एक्स ऐड कर दो, फंक्शन ऑफ एक्स हमने इसमें ऐड किया है। और चूंकि इंटीग्रल साइन जो है इसको आप आमतौर पे कैपिटल एफ से डिनोट कर देते हैं, तो आंसर लिखते वक्त एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन सिक्स दैट विल बी रिप्लेस बाई कैपिटल एफ वाई, वेयर कैपिटल एफ वाई इज द इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ वाई। तो ये इंटीग्रल स्मॉल एफ वाई डी वाई को आपने रिप्लेस कर दिया कैपिटल एफ वाई से, एन प्लस जी एक्स अपनी जगह मौजूद। तो दैट विल बी अवर फाइनल आंसर इक्वेशन नंबर 3, मैंने इसे कह दिया। दिस इज द आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक टेक्निक तो यह है सबसे जो जाहिर है सिंपल है कि बस सिंपली आप उसे इंटीग्रेट करते चले जाओ, तो जिससे जिस रेस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लिया गया है उसी रेस्पेक्ट से आप उसे इंटीग्रेट कर दें। शीट से एक सवाल ले रहा हूं मैं, ये सवाल इसका थर्ड एग्जांपल नंबर 3, थर्ड जो है शीट पे मौजूद दावा स्क्वायर यू दावा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर इनटू वाई माइनस 1। ये जो शीट है पेज नंबर 3 में ये सवाल है, और वो जो पहला सवाल मैंने कराया वो एच के दास से कराया है, ये शीट के ऊपर सवाल मौजूद है। सर क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी शीट देखने के लिए। कौन सी क्लास ज्वाइन करोगे? हाँ ठीक है, कर लेना उसको, देख लें शीट वहाँ पर एक दफ़ा। नहीं मैंने शुरू में तो स्नैपशॉट भेजी थी, मार्च की भेजी हुई है वो, मार्च में जब क्लासेस शुरू हुई थी जब भेजे थे 9 पेज भेजे थे। तो अब आप देखें यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अब इसको आप दोनों मर्तबा विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो ये यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये मैं बता दूं आपको कि एच के दास जो है वो जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई यूज कर रहा है, और ये जिल का सवाल होगा यकीनन। जिल में जो है जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई यूज कर रहा है, तो जाहिर है कि जेड हो यू हो जो भी हो तो वही आखिर में आंसर में आ जाएगा आपके पास। तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करोगे तो सिर्फ आपके पास डावा यू अपॉन डावा एक्स बच जाएगा, और जो भी वाई का फंक्शन है पूरा ब्रैकेट वाई माइनस वन तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, और 6x स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपके पास 2x क्यूब आ जाएगा। तो चूंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एफ वाई इसमें ऐड कर दो, लेट मी राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दिस इंप्लाइज यू इज इक्वल टू वाई माइनस 1, अगेन कॉन्स्टेंट और उसके साथ साथ टू भी कॉन्स्टेंट है, उसके साथ साथ 2 भी कांस्टेंट है, तो x क्यूब का इंटीग्रल x 4 अपॉन 4
अब आप देखें कि एफ वाई इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, एफ वाई इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, तो अब ये कॉन्स्टेंट है तो जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, दिस विल बी एक्स एफ वाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो अब कैपिटल एफ वाई नहीं होगा। लेकिन अगेन एनदर वन जी ऑफ वाई, एनदर कॉन्स्टेंट ऑफ फंक्शन ऑफ वाई, तो ये आपके पास इसे सिंप्लीफाई करके लिख लें तो यू हैव दिस इंप्लाइज यू इज इक्वल टू एक्स फोर वाई माइनस वन अपॉन टू प्लस एक्स एफ वाई प्लस जी ऑफ वाई इज द आंसर। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास सिर्फ दो और टेक्निक हमें करनी है, टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, दो टेक्निक्स और करनी है, तो एक टेक्निक और अभी स्टार्ट करा लेता हूँ, एक सवाल उसका कर लेंगे और इंशाल्लाह फिर एक तरह जो है हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की दूसरी टेक्निक भी करा के मेरी कोशिश है कि कल जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर हम जाएंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ।